और स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल रेलवे ज्ञान में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन ट्रैक स्ट्रक्चर इन यार्ड्स, यानी कि यार्ड में ट्रैक संरचना। दोस्तों ये जो क्वेश्चन आप लोगों को बताया जा रहा है ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपके आने वाले इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जेई पीवे का जो एग्ज़ाम पेपर होता है उसमें ज़रूर ये क्वेश्चन मिलते हैं, तो इसे आप लोग ज़रूर देखेंगे। वन लाइनर क्वेश्चंस है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उसके पहले कहना चाहूँगा, यदि आपने हमारे चैनल रेलवे ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सैंड हम्प की ANC से कुल लंबाई कितना मीटर होती है? तो दोस्तों सैंड हम्प की ANC से कुल लंबाई 78 मीटर होती है। द टोटल लेंथ ऑफ सैंड हम्प फ्रॉम ANC इज 28 मीटर। ओके, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, प्लेटफार्म लाइनों पर डिस्टेंस पीस कितना मीटर अंतराल पर लगाया जाता है? तो दोस्तों प्लेटफार्म लाइनों पर जो लकड़ी का टुकड़ा होता है वो 30 मीटर के अंतराल पर लगाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जहां दो ट्रैक सेंटर, ये क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों आप लोग, जहां दो ट्रैक सेंटर यानी अर्थात मौजूदा कार्य के बीच की दूरी 4.265 मीटर से कम होती है तो वहां पे फॉलिंग मार्क लगाया जाता है। और यदि बोलेगा यहां पे कि नए कार्यों के लिए सीधे ट्रैक के केंद्र से केंद्र के बीच की न्यूनतम दूरी, तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 5300 mm। इसे आप लोग ज़रूर याद रखेंगे क्योंकि जो पहले से ऑलरेडी लगा हुआ है तो उसमें 4265 mm या 4.265 मीटर बोल सकते हैं, लेकिन अभी जो नया कार्य होगा तो उसमें जो है न्यूनतम जो है 5300 mm रहेगा, तो वहाँ पे फाउलिंग मार्क लगाया जाता है, ठीक है। इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हाई लेवल पैसेंजर प्लेटफार्म के रेल लेवल से न्यूनतम ऊंचाई कितना mm होती है? तो न्यूनतम ऊंचाई 760 mm होती है, ठीक है। इसके बाद फाइव नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हाई लेवल पैसेंजर प्लेटफार्म की रेल लेवल से अधिकतम ऊंचाई 840 mm होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छः नंबर, ट्रैक के सेंटर से किसी प्लेटफार्म दीवार की अधिकतम क्षैतिज दूरी कितना mm होती है? मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ट्रैक टू फेस ऑफ एनी प्लेटफार्म वालेस, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1905 mm, ठीक है। इसके बाद सेवन्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ट्रैक के सेंटर से किसी प्लेटफार्म दीवार की न्यूनतम क्षैतिज दूरी कितना mm होती है? दोस्तों ये प्लेटफार्म दीवार और इसमें हॉरिजेंटल डिस्टेंस, इसे आप लोग याद रखेंगे, तो इसका आंसर हो जाता है 1675 mm, ठीक है। इसके बाद आठ नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पैसेंजर प्लेटफार्म कोपिंग का निर्माण इस प्रकार किया जाए कि आवश्यक होने पर चौड़े स्टॉक को चलाने के लिए सहजतापूर्वक तुरंत ट्रैक सेंटर से कितना mm पीछे जी किया जा सके? तो 1905 mm, ठीक है। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ट्रैक सेंटर से पैसेंजर प्लेटफार्म कोपिंग फेस की अधिकतम क्षैतिज दूरी, तो दोस्तों
ट्रैक सेंटर से पैसेंजर प्लेटफार्म कोपिंग की बात कर रहा है। यदि आप लोगों को कोपिंग दिख जाए, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ट्रैक टू फेस ऑफ पैसेंजर प्लेटफार्म कोपिंग, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है 1680 mm। और वहीं न्यूनतम क्षैतिज दूरी का बात करेगा, जो कि 10th नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, ट्रैक सेंटर से पैसेंजर प्लेटफार्म कोपिंग फेस की न्यूनतम क्षैतिज दूरी, तो इसका आंसर हो जाता है 1670 mm। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 11th नंबर, ट्रैक सेंटर से पैसेंजर प्लेटफार्म दीवार फेस की न्यूनतम जो है, ट्रैक सेंटर से पैसेंजर प्लेटफार्म दीवार फेस की न्यूनतम दूरी 1675 mm हो जाता है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ट्रैक टू फेस ऑफ एनी प्लेटफार्म वॉल इज मिनिमम 1675 mm। ठीक है, इसके बाद 12th नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ट्रैक सेंटर से पैसेंजर प्लेटफार्म दीवार फेस की अधिकतम क्षैतिज दूरी, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1905 mm। तो इसमें याद रखेंगे आप लोग, मैक्सिमम 1905 और न्यूनतम 1675 mm। 13th नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्टेशन यार्ड में अधिकतम ग्रेड पुराने कार्य के लिए जो है ग्रेड 400 में एक होता है। और 14th नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्टेशन यार्ड में अधिकतम ग्रेड नए कार्य के लिए जो हो जाएगा 1200 में एक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 15th नंबर, फाउलिंग मार्क का साइज कितना mm होता है, तो दोस्तों फाउलिंग मार्क का साइज जो होता है 1500 mm जो होता है, उसका लंबाई हो गया 250 mm चौड़ाई और 125 mm ऊंचाई हो गया। ठीक है, उसके बाद 16th नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दो ट्रैक सेंटर के बीच दूरी 42-65 mm होने पर फाउलिंग मार्क लगाए जाते हैं मौजूदा कार्य में, लेकिन नए कार्य के लिए जो होता है हमने आपको बताया था 5300 mm। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लेंगे। 17th नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लाइन क्षमता के संदर्भ में CSR का अर्थ क्या होता है, तो CSR का अर्थ होता है क्लियर स्टैंडिंग रूम। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम फिर नेक्स्ट वीडियो आप लोगों तक लाएंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।